मध्य प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग के द्वारा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस ऑपरेटरों की मांग को मानकर टैक्स माफ किया गया और बस चलाने की अनुमति दी गई, मगर परिवहन विभाग द्वारा तय गाइडलाइन का बस ऑपरेटरों द्वारा पालन नहीं हो रहा है। शुरुआत में बस ऑपरेटर के द्वारा बस में बैठने वाले यात्रियों को निःशुल्क मास्क भी बांटे गए और बैठने पर हाथ सैनिटाइज भी किए गए, मगर जिस तरह से बसों में यात्री आना शुरू हुए हैं, इन तमाम नियमों को बस मालिकों और बस संचालकों द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। एक ओर पुलिस प्रशासन जहां आम लोगों से मास्क नहीं लगाने पर राहत चलते चालान बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर बसों में यात्रा करने वाले न तो खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और न ही दूसरों के स्वास्थ्य की उन्हें चिंता है, बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन बसों में बस कंडक्टर और ड्राइवर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही मास्क लगाने की कोई यात्रियों को हिदायत दे रहा है। उधर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना है कि उनके द्वारा तमाम नियमों का पालन हो रहा है और लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, मगर लोग मानने को तैयार नहीं। जो आपका सवाल है उसमें ये है कि बसों के अंदर अभी मास्क और सैनिटाइज़र को लेकर थोड़ी सी जो समस्या आ रही है, हम लोगों ने अभी कंपलसरी कर रखा है। बसों के अंदर सैनिटाइज़र भी है, मास्क की उपलब्धता भी करा रखी है। कुछ पैसेंजर हैं जो जिनको कई बार टोकने के बाद भी वो उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितने लोगों को हम लोग मास्क में कर सकें हम मास्क दे के उनको गाड़ी के अंदर बिठाएंगे। बिना मास्क वाले को हम जो है बस के अंदर नहीं बिठाएंगे। आज हमने देखा है कि कई गाड़ियों में ड्राइवर और कंडक्टर खुद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और सवारी की तो बात ही नहीं। हाँ, जैसा कि जानकारी में आया कि स्टाफ भी अभी जो है बिना मास्क के ये हो रहा है, तो स्टाफ को भी हमने अभी सख्त हिदायत दी है। कल हमारी एक मीटिंग है, उसमें भी हम लोग बिल्कुल सख्त हिदायत देंगे कि अगर कर्मचारियों के पास भी अगर ये उपलब्धता नहीं है तो उनको भी जो है नहीं रखा जाएगा, नए कर्मचारी हम लोग नियुक्त कर देंगे।